जो बात हम खिलाफत रास्ता के हवाले से जो कर रहे हैं कि ये सिर्फ हम एक सैम्पलिंग मिसाल दे रहे हैं आपको लाख मुझे इलाके पर फैली हुई है चंगेज खान और, 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 और अलेगजेंडर की से बढ़ी है। उसको चलाने के लिए जो है वो इतने फ्यूचरिस्टिक इतने डायनमिक और इतने आजाद हैं कि वाकई नजर आता है कि आजाद कौमें जो दुनिया पर हुकूमत करती हैं वो इन्हीं रूल्स एंड वैल्यूज पर अमल करती हैं और आने वाले पाकिस्तान को हमने अगर पाकिस्तान की तकमील करनी है इसमें अब कोई शुबा नहीं है कि हमको पाकिस्तान को रीमॉडल करना है yes. हमको डेमोक्रेसी पे और वेस्ट के ऊपर आज अमेरिका में या ब्रिटेन में जो निजाम कायम है हमें कोई जरूरत नहीं है हमें किसी की बदवा नहीं लगी हुई कि उस निजाम को ला मुसलत करें करेंग्जैक्टली तो exactly. ना हमें बदवा लगी हुई है कि हम कॉमनिज्म को ला मुसलत करें यहां exactly. कि हमारे पास खिलाफत रास्ता मौजूद है और खिलाफत रास्ता के मॉडल चूंकि लोगों ने पढ़े ही नहीं हमारी तारीखों में हमारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में हमारी बुक्स में पढ़ाई नहीं जाती पढ़ा नहीं जाए जो नहीं हमारे सो कॉल्ड हैं या डिलिब्रेट झूठ बोलते हैं या खुद जाहिल हैं जो खिलाफत रास्ता को ना जाने खिलाफत रास्ता को यह कहे कि यह तेरह सौ साल पुराना निज़ाम है आज नाफिज नहीं हो सकता उससे बड़ा जाहिल कायनात में नहीं पैदा हुआ होगा क्योंकि दुनिया की आज सारी कौमें जहां पर कोई गवर्नेंस का जुडिशरी का लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तो के के एक्नोलेज करते हैं इस बात को हमने तो हजर तुम्हारे और ये कहते हैं तेरा सौ साल पुराना निजाम है तब आप बर्बाद करें अल्लाह इनको दुनिया और आखिर बात है इससे ज्यादा नहीं हो सकती कि हम सैदना उमर फारो सैदनास्मान और सैदना बकरी का राश् सैदान राशा का वो निजाम पाकिस्तान में जहाँ पे इतना अदल हो इतना इंसाफ हो उमर फरमाते हैं मैं एक -एक महीना काजी होता था एक एक महीना मुझे गुजर जाता था मेरे पास मुकदमत नहीं आते थे वो द वो जज सैदान उमर के दौरान इतना था लोग मुकदमे खत्म हो गए लॉ एंड ऑर्डर इतना देखिए मुकदमा उस वक्त होते हैं ना जब लोगों को पता है कि उसमें म कर सकता हूँ मैं तकलीफ पहुंचा सकता हूं इंसाफ है ही नहीं जो मर्जी मैं करता फिरूं या लोगों में इतना हो इकोनॉमिक क्राइसिस हो लॉ एंड ऑर्डर के इशू हो झगड़े हो कतलो गा हो चोरी टकेती हो तब मुकदमा आते हैं ना एक्टली exactly. अगर टोटल गवर्नेंस इतनी खूबसूरत जा रही है कि हर इंसान है तो जहाँ exactly. पे क्राइम रेट बिल्कुल मिनिमम है ऑलमोस्ट कई शहरों में होते ही नहीं स्विट्जरलैंड में कई अचीव कर लिया जगहों पर उन्होंने बताते खुद एक मिसाल हमारे सामने की जहाँ पे क्राइम रेट क्राइम इंसान के साथ मगर खिलाफ रास्ता के जो मॉडल है देखिए हम आपको बताए हम सीदना उमर फारूक रजी अल्लाह तुम के जुडिशल मॉडल जुडिशल ऑर्डर आपका तो अदली मशहूर है ना सबसे हमने उससे पहले बात की थी कि जिनेवा कन्वेंशन क्या रूल्स बनाएगी क्या कर सकती हैं और सिविलियन आबादी को कत्ल किए जा सकते हैं नहीं वो सारे रूल जनेवा कन्वेंशन के आप उठाई उससे सौ गुना बेहतर रूल हजर बकर बनाकर इतनी हाई क्वालिटी का था जिनेवा कन्वेंशन ये नहीं कहती कि सिपाहियों का जना भी करें शराब पिए बदकारी करें जो मर्जी करें है नौ मुसलमान इतने सुपीरियर एडवांस हैं कि जब तक उसकी निगाह पुलंद नवाज जहाँ पुरसोज ना हो जब तक नरम दमे गुफ्तगु, गरम दमे जस्तुजू ना हो जब तक हल्का या तोमुहा ना हो रात के राहिब, दिन के मुजाहिद ना हो रातों को ये सारी रात इबादत करते थे और दिन में ये मुजाहिद हुआ करते थे और फिर इनका इखलाक और किरदार का ये आलम था कि ही जौरात के ढेर इनके आगे लगे होते थे और ये कि कशरफी इलाके से उमर के आगे अपने अमीर के आगे जमा कराते थे लगता ही नहीं कि इंसान जब ही इस ईरानियों ने इनको कहा था कि मदन, देवा मदन देव आ गए देव आ गए और इकबाल ने कहा था ये गाजी ये तेरे और ये मिस्टीरियस लोग ये कौन सा किरदार था किस किस्म की नस्ल पैदा हो गई थी वहां किस तरह पैदा हो गई थी इसलिए अमीर इस तरह के थे जो अमीर जिस तरह का बाप जिस तरह का होता है औलाद वैसे बनती है बिल्कुल जो अमीर जिस तरह का होगा वो कौम वैसे बनेगी तो खिलाफते रास्ता में हजरत उमर रजीला अदल का जो मामला है आए हम आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाते हैं कि हजरत उमर ने अदल के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया आज दुनिया का बड़े से बड़ा जुडिशियल सिस्टम वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना नहीं सकता अदल के हवाले से जो शहीदनामर फारूक बना कर इसीलिए हमने बात आपको बताई थी कि आज दुनिया के कई मुल्क ये है कहते हैं कि हम तो सहीदाना उम्र का एक, एक तो जस्टिस मॉडल फॉलो करते हैं चौदह सौ चौदह सौ साल पहले, पहले, पहले तो उम्र का अब आपको हम अब आपको पढ़ के सुनाते हैं हमने आपको उससे पहले वॉर रूल्स बताए थे जो और गवर्नर के देखिए इस्लाम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बुनियादी तौर पर जो तो कुरान की सजाएं आप देखते हैं पनिशमेंट्स आप देखते हैं दे आर वेलफेयर ओरिएंटेड यानी आज दुनिया में कई जगहों पे कहा जा रहा है कि लोगों को सजाएं ऐसी दो कि कम्युनिटी सर्विस हो यानी इनको पनिशमेंट्स उनको ऐसी दी जाती है कहा जाता है भी तुम नीतिम खाने में जाके काम करोगे तुम सड़कें तुम ये काम करोगे पनिशमेंट भी ऐसी है जो कम्युनिटी ओरिएंटेड है इस्लाम की विजडम आप देखिए उसकी सारी सजाएं माशरे का तस्किया करने के लिए उसकी सफाई करने के लिए होती है तुमने रोजा तोड़ दिया साठ रोजे रखो और अगर साठ रोजे नहीं रख सकते तो साठ मस्किनों को खाना खिलाफेर exactly. यानी रोजा मैंने तोड़ा बिल्कुल साठ मस्किनों को खाना खिलाया जा रहा है अल्लाह राजी हो रहा और गरीद या गरीद या गरीद या तो दुआ करते होंगे रोजा तोड़े exactly. खाने को मिले। <laughs> True. सजाएं जो है या तो उस आदमी का अगर इलाज नहीं किया जा सकता तो उसका दिमाग ठीक कर देते हैं कोड़े मारने कोड़े मारे सरकार ने सरकार ने हाथ करने हार करना फारिक किया जजिया दे देना दूसरा ये सजाएं जितनी भी हैं जैसे अर्ज किया कि वो वेलफेयर ओरिएंटेड है खैरियत के अब यहां पे खैरत अंगेज कॉन्सेप्ट आता है जेल जेलों का तस्वर इसको अवॉइड किया जाता है शरीयत में आप okay. आप शरीयत में देखिए बुनियादी तौर पर कत्ल किया है किसी ने

ताकि अगेन वो भी वेलफेयर ओरिएंटेड है कि जिसका बाप या भाई या कोई अजीज कतल हुआ है उसको पैसे मिल जाए ताकि उसका गुजारा हो जाए उसके बाद वो फिर फैसला कर सके सही और तीसरा ये उसको अगर वो चाहे तो माफ भी कर सकते हैं <coughs> ये इतना डायनामिक कॉन्सेप्ट है कि एक ही सजा की तीन पनिशमेंट रखी हुई है दो सजाएं एक एक, स, एक सजा एक उसकी कैश उसकी देर पैसे ले जा सकते हैं और एक में माफी भी इससे ज्यादा ह्यूमन कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड हो सकता है कि जहां पे मॉरल ग्राउंड इतना है जो दे दिया तो कि तुम माफ माफ करना चाहते हो तो माफ भी कर सकते लेकिन पैसे पैसे लेना चाहते हो अगर सजा दिलवाना चाहते हो तो स्टेट के ऊपर कोई लायबिलिटी तो नहीं है और स्टेट का काम अल्लाह के हुक्म को नाफिज करना है स्टेट माफ नहीं कर ये बंदे का मामला बड़ा डिफरेंस है आज हमारे यहां बड़े बड़े कातिल जिनकी सारी सजाएं अपीलें

इंडियन दहशतगर जिसने इतने धमाके किए हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट कह रही है उसको कि जनाब उसको माफ कर दीजिए उसकी फाइल प्रेजिडेंट के पास पड़ी हुई है जब चाहे माफ कर दे और बड़े बड़े कातिल हो जाते हैं, इसलिए कि प्रेसिडेंट माफ कर देता है हालांकि शरीयत के तहत उनको टंग देना चाहिए या देतः हो लोगों को जिनके बच्चे मारे गए या लोग फैमिली वाले मारे गए सो जेल खाने की सजा डिस्करेज होती थी लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस आ गए बाद में जो किसी ने झगड़ा किया लड़ाई की ये किया वो किया सचला सारा मामला तो वही रिजोल्व कर दी जाते हैं लेकिन बहुत से मैटर्स में हजरत उमर फारूक के दौर में छोटा सा जेलखाना भी बनाया गया बहुत right. से रखा गया okay. लेकिन जमानत पर इंकरेज की गई इमीजिएटली जो बेल का मॉडर्न दुनिया में है इंसान को जेल में ना रखे आप जमानत पर रहा कर दें exactly. जमानत का कॉन्सेप्ट बेल कामर ने शुरू कराया और ये डिस्करेज किया गया कि पेंडिंग ट्रायल पाकिस्तान में अस्सी फीसद लोग जो जेलों में है वो अंडर ट्रायल उनको जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता वो अंडर ट्रायल चल रहा है

मैच नहीं कर सकते उस अदल के निजाम के जो सही उमर ने किया था देखिए सुनिए क्या कहते हैं हजरत उमर ने खिलाफत के बाद चंद रोज बाद अदालत को अलग कर दिया पहला काम तो आपने ये किया ही थी लिहाजा वो भी है ये भी जायज़ा एक्जेक्टिव जुडिश्री अगर एक ही पावर्स के पास हो वो भी ठीक है अगर अलग अलग है तो हालात की अपने जमाने के हालात के लिहाज से जो चाहे फैसला करें पाबंद नहीं होते उमर ने अलग कर दिया right. नए काजी अपॉइंट किए इंडिपेंडेंट जुडिशरी कर कायनात hmm. में, में इंसान की हजारों साल तारीख में कहीं भी ऑफ इंडिपेंडेंट नहीं कर आज ये बात करते हैं आज ये बात करते हैं हमें सिखाते हैं इंडिपेंडेंट जुडिश्री क्या होती है जुडिशरी को आजाद करके परे कर जबी तो खलीफा वक्त हजरत अली रजी अपना मुकदमा लेके जज के पास गए वरना यहूदी से कहते वापस करो मेरी तरह और मुकदमा हार गए बिल्कुल और उमर के साथ तमाम आज की जुडिशरी उमर फारूक ने, ने, ने सोचिए हजरत अब देखी कमाल देखे हजरत उमर ने हजरत अबू मूसा अशरी को लिखा वो गवर्नर थे उनसे कहा कि अपने जज अपॉइंट करना है तो जज की क्वालिटी लिखते हैं कहते हैं ऐसे शख्स को जज अपॉइंट करो जो साहिब असर हो और साहेब अजमत हो घटिया आदमी को जज नहीं बनाना देखिए जो अपने उस कैरेक्टर की बात हो रही है जो उस जमाने में मालदार आदमी है पैसे वाला है कॉन्फिडेंस है दुनिया देखी हुई है दुनिया के मकाम और इख्तियार को जानता है ताकि वो किसी गवर्नर किसी जनरल के रोब में नहीं आए हाँ एक निचले आदमी को किसान को तुम गवर्नर बना दोगे जज बना दोगे तो उसके आगे जब कोई अरबपति लैंडलॉर्ड या कोई बिजनेस जनरल या कोई बड़ा ताकतवर आदमी आएगा तो ये उसके रोब में आ जाएगा एक्जैक्ट लुक एट दिस. यानी जो पहला रूल ये बनाया जा <laughs> रहा है कि तुमने एक ऐसे आदमी को जज बनाना है जो माशरे में ताकतवर तरीन हो ताकि किसी से डरे नहीं हो ही शुड कम फ्रॉम अ फैमिली विच इज रिस्पेक्टेड जिसकी इज्जत की जाती है ही शुड कम फ्रॉम अ फैमिली जिससे लोग डरते हैं ही शुड कम फ्रॉम अ फैमिली जो फैमिली दबे नहीं किसी के आगेक्टर की वजह कैरेक्टर की वजह सेवरी थिंग चाहे दुनिया का स्टेटस हो कैरेक्टर हो मालदार था अच्छे खानदान का हो पुरानी पुराने मजबूत खानदान होते हैं तो लो पूरी दुनिया इज्जत करती है उनकी और तो वो खानदान वाले लोग अपने अपने उस खानदान के कैरेक्टर और किरदार और बैकग्राउंड की वजह से प्राउड होते हैं माशरे में ऐसा रिस्पेक्टेड आदमी हो कि दुनिया जाने ही रिस्पेक्टफुल आदमी है ताकि कोई उसके आगे फजूल बकबक ना कर सके अगर आप किसी ऐसे आदमी को हकीकत है कि आप हमारे विलेज से देहात से किसी आदमी को अंग्रेज के आगे ले जाए अंग्रेजी जा भूल जाते हैं एक मलका आती है इंग्लैंड की मलका पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आती है और पाकिस्तान के पार्लियामेंट का स्पीकर चंद साल पहले की बात है मलका को पार्लियामेंट में बैठ के कहता है हम अभी तक आपके वफादार गुलाम बेहया लोग ऐसे आदमी को जज बनाना तो क्या करेगा so ये, ये वो वाक यहाँ देख सकते हैं घटिया कि किस किस को, को नहीं बनाना जो लोगों के ना हो उसको जज नहीं बनाना द मोस्ट ऑनरेबल मैन सोसाइटी कैन बी मेड मैन ऑनरेबल मैन ताकि पूरा माशरा रिस्पेक्ट करे वो दबे नहीं किसी से उसकी तालीम उसका खानदान उसका मकान लुक एट द फर्स्ट लाइन इज दिस इमेजिन द विजम ऑफ दिस फिर कहते उन्होंने लिखा जब तुम अदालत में तलब किए जाओ तो फौरन फरीक मुकदमा के साथ हाजिर हो यानी जब तुम्हें अदालत में बुलाया जाए डिले नहीं होना है कोई अटेंडेंस नहीं लेनी कोई डिले नहीं करना जगह केस फाइल होता है और तुम्हें कॉल किया जाता है जिस शख्स को कॉल किया जाए इमीडिएटली सारे काम खत्म अदालत में जाना इंसाफ पहली प्रायरिटी राइट आज ये होता है लोगों को आप नोटिस भेज रहे होते हैं वो आ ही नहीं रहे जा रही है वकील रिप्रेजेंट कर रहा है साल चला गया सिर्फ किराए का मुकदमा है बिल्कुल सही

अगर मुद्दा लाइनकार करे तो तुम गवाह पेश करो ताकि वो जबरन हाजिर की जा सके जिसके खिलाफ जिसके खिलाफ मुकदमा किया गया है वो आने से इनकार करे मुद्दा, इलाए। मुद्दा इलाए। जिसके जिसके खिलाफ मुकदमा किया गया है वो कह मैं नहीं आता तो तुम गवाह पेश करो शुड कम टू विटनेज एन सी नहीं वी आर विटनेस टू बॉर्डर ताकि उसको जबरन पेश फिर पुलिस भेज के बुलाएंगे इसको ओके ओके अगर जो खुद नहीं आएगा उसको हम पुलिस भेज के बुलाएंगे भाई right. अगर अगर गवर्नर पर मुकदमा किया गवर्नर कहता मैं नहीं आता जज से को मैं नहीं आ रहा हाँ, अगर उस कॉन्सेप्ट में देखे तो इस देखेप्ट तो देखे ना तो काजी को अख्तियार है कि फिर अगर वो नहीं आ रहा फिर पुलिस भेजो और उसको बुला के ला फिर सख्ती होगी पहली पर, दूसरी बात मुद्दा ले भागना चाहे फिर तुम पकड़ सकते हो इफ यू वॉन्ट टू रन देन यू कैन अरेस्ट अब जेल में डाल दो बेशक उसको अरेस्ट कर सही क्योंकि जब मुकदमा हुआ है तो आके फेस करो ना भागते क्यों मतलब डिफाइन कर दिया गया कि ये नहीं, बताया जा नहीं, नहीं। तो ये है सही अगर सही कोई सही सही। फरार हुआ मफरूर हो गया, हो गया फिर पकड़ा गया अबरा तो फिर लाके आप जेल में डाल सकते हैं आप पकड़ सकते हैं अब पकड़ के मुकदमे में लेकर आए उससे पहले जेल नहीं मुद्दा बीमार या बूढ़ा हो तुम उसको सवारी दो वरना उस पर हाजिरी के लिए जबर नहीं किया जा सकता वो बूढ़ा है बीमार है वो नहीं आ सकता फिर स्टेट विल प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट टू हिम एम्बुलेंस भेजो उसको लेकर न यू बिलीव दिस उसको सवारी दी जाएगी ही ट्रांसपोर्ट जो उसकी उम्र और बीमारी आज हमारे बेचारे बूढ़े लोग उन्ट इवन है। जिसके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया वो उसका खानदान रूल किया ऐसे लगता है शायद वो जानते थे कि ये सब और उन्होंने बीमार है या बूढ़ा है उसको तो ट्रांसपोर्ट दी जाएगी वरना उस पर सख्ती नहीं की जा सकती फिर यहाँ भी माफ कर दिया अब बिल्कुल माफ किया अदालत बेशक उसके पास जाएगी लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकता सही जस्ट इमेजिन कोई दुनिया में तस्वुर कर सकता है आज दुनिया की कोई अदालत अमरीका से लेकर चाइना तक दिखा देता है मुद्दा तो बेल के लिए अप्लाई करे तो जमानत एक्सेप्ट कर ले राइट right. आदमी को जेल में नहीं रखना जमानती हो बार बार जेल का जो कॉन्सेप्ट खत्म करने की जमानत लेटी परसेंट लोग हमारी जेलों में बड़े वो बाहर आ जाएंगे और सारा जिलों पर प्रेशर खत्म हो जाएगा सारा ससाला खत्म हो जाएगा बिल्कुल उल्टा है, है। वो दूसरी बात दौलतमंद का जामिन दौलतमंद होना चाहिए एक अगर मिलियनर आदमी है ये ना कि वो अपने ताकि वो भागे तो उसको पकड़ सकेंटी देखिए सोशल इक्वालिटी भी आ रही है ये नहीं हो सकता क्या और ये तमाम चीजें आपके तक आज के फ्यूचरिस्टिक है पाकिस्तान और दुनिया के किसी में ये ये अप्लाई नहीं कर रहा है। Anybody, अच्छा ये जजों को फरीकैन के तफाक से फैसला करना चाहिए दोनों को सुने तो तरफा फैसला नहीं कर। दोनों को सुनोगे तुम बैठ के फैसला करोगे जज सुबह से दोपहर तक मुकदमे सुनेगा बजर से लेकर दोपहर तक, तक मुकर किए जा रहे हैं के के फरीकैन की हाजिरी में होगा दोनों पार्टी मौजूद होंगी

जब एक अल्लाह का हुक्म मौजूद है बिल्कुल फैसला मौजूद है गवाह मौजूद है लोग मौजूद है आप भी खुद इकरार कर रहा है मैंने किया। 20 रहा है। 20 साल से पहले रिजॉल्व नहीं हो बिल्कुल मतरब की बात अदालत बन रहेगी फरीकैन अगर सालिस पेश करना चाहे तो उनको जमीन देना चाहिए अगर सालिस मतलब कोई बीच में आके सुलह कराना चाहे तो ठीक है आप सुलह भी कर सकते हैं कोई अगेन उसकी इजाजत भी आर्बिट्रेशन की, है। है की और इमेजिन मतलब ये आज अगा... ये निजामों तो खुद करें आना, अपने आपको पेश करें पाकिस्तान में लोग सुलह करना चाहते अदालते हैं अदालतें तो कहती है और देखें सारे प्रोसेस में वकील कहीं भी नहीं है ट्रू अभी हम आगे आते हैं जो शख्स गवाह ना पेश कर सके वो मुद्दा लेकर दरवाजे पर अपने दावे को पुकार करता है तो आप कम अजकम ऊँची आवाज में एक नोटिस दे दें कि अदालत में खड़े होकर या उसके दरवाजे पे जाके कि मेरा मुकदमा मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर रहा हूं ताकि सबको पता लग जाए कि मुकदमा क्या समझ सम एक एक है वो जबानी भी उसको जाके वो सही उस पर इल्जाम लगा सके काजी को अदालताना हैसियत से तमाम लोगों के साथ यकसा बर्ताव करना है किसी को पार्टी नहीं देनी एकदम खलीफा वह खुद हतुमर फारूक अदालत में जाते हैं और जज खड़े हो जाते हैं तो हतुमर कहते हैं तुम इंसाफ जज हो कि तुमने मुझे इज्जत दी मैं खलीफा हूं इसलिए मुझे इज्जत दी तो मेरे रोब में आ गए तो मेरे रोब में आ गए इस बात को हतुमर ने अपने लिए पसंद नहीं किया फैसला तो कर दिया गया था तो, यस वक्त हो या ऊंट चराने वाला अदालत में आएंगे साथ खड़े होंगे कोई किसी को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी बारे सबूत मुद्दई पर है जो इल्जाम लगाता है सबूत भी वही देगा ओके यानी सबूत के बगैर सबूत इल्जाम लगा रहे तो सबूत दो कॉमन सेंस कॉमन सेंस आज के दौर का यही है सिलसिला बिल्कुल सबूत नहीं है इल्जाम तुम्हारा बेकार से सब किया जाएगा मुद्दा अलय अगर किसी किस्म का सबूत नहीं रखता तो उससे कसम ली जाएगी जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है उसके पास अगर प्रूफ नहीं है फिर उससे ओथ ले कसम लें जो कहूंगा सच कहूंगा आज का तो कसम से तो शुरू होता है और... जो इल्जाम सबूत नहीं दे सकता जवाब में उससे कसम लें चल तो उसकी बात फिर उसकी बात आर्गूमेंट शुरू होगी जो भी ठीक है। उसका भी एक वेटेज है फरीकैन हर हालत में सुलह कर सकते हैं लेकिन जो अमर खिलाफ कानून है उसमें सुलह नहीं हो सकती सुलह हर हालत में हो सकती है सही लेकिन जो चीज लॉ ब्रेकिंग है

जो हो रहा है इस वक्त exactly. सारे में सारे में यही हो रहा है से यही हो रहा है एनआरओ नहीं पास कर सकते वहां पर मार खाओगे तुम तुमने खैमत किए स्टेट और रियासत के साथ कानून तोड़ा है तुमने मुल्क का एक बंदे की बात नहीं मुकदमे की पेशी की तारीख हो मुकर होनी चाहिए पेशी की तारीख डेट सेट करो

देव अब नहीं तो बहरा में यही होता है हाँ, exactly. और अब देखिए हर मुसलमान काबिल अदाय शहादत है हर मुसलमान की गवाही कबूल की जा सकती है मगर वो शख्स जो सजाई याफ्ता हो जिसको पनिशमेंट हो चुकी हो जो क्रिमिनल हो उसकी गवाही नहीं एक्सेप्ट हो सकती जिसकी झूठी गवाही देना साबित हो जिसने एक दफा कभी झूठी गवाही दे दी हो उसकी गवाही कभी कबूल नहीं की जा सकती जो शख्स क्रिमिनल हो जिस पर केसेस हो मुकदमा हो, पहले मुकदमा में शरीक हो यहाँ पे वो मुसलमान अपनी हक गवाही देने का विटनेस बनने का हक छोड़ बैठता है जो झूठी गवाही दे या क्रिमिनल के 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 लिहाजा इस लिहाज से जितने क्रिमिनल उनकी गवाही एक्सेप्ट नहीं हो सकती जब उनकी गवाही एक मुकदमे में एक्सेप्ट नहीं हो सकती तो इलेक्शन वोटिंग में कैसे एक्सेप्ट हो सकती है जो झूठी गवाही हमारा पूरा अदालती निजाम झूठी गवाहियों पर चल रहा है एफ आई आर से शुरू करें

तस्कितु शहूद के और यहाँ सारी एविडेंसेस अगर आप अदालतों में उठा के देखिए जितने विटनेसेस पेश होते हैं या क्रिमिनल होंगे या झूठे होंगे पुलिस के टाउट्स होंगे कोई का बैकग्राउंड क्या होगा एंड देन उसके बाद द पॉइंट इज हजरत उमर फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर के दौर में मैं काजी था एक एक महीना गुजर जाता था मेरे पास मुकदमात नहीं आते नाउ System rules, और जो फाइनेस्ट होता था आदमी हमारे यहाँ क्या होता है कि सेशन कोर्ट में सबसे घटिया जज लगाया जाता है हाई में उससे पढ़ा लिखा होता है सुप्रीम कोर्ट में जरा तालीम याफ्ता जज होते हैं सही हजरत उमर ने सेशन कोर्ट में नहीं जो सबसे निचली अदालत होती है उसमें माशरे का सबसे आला आदमी जज या वहीसेंट केस वही खत्म हो गए नाइनटी नाइन परसेंट केसेस वही खत्म हो गए हम उसका टोटली अपोजिट हम बिल्कुल रहे जा रहे हैं बिकॉज हम उसको स्टेटस के साथ लिंक कर रहे हैं बड़ा जज ज्यादा टाइम आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं आप अपने सात नस्लों की जायदाद बेच चुके होते हैं इंसाफ लेने के लिए हजरत उमर के सारे प्रोसेस में इंटायर जुडिशियल प्रोसेस इज फ्री ये स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी आपको अदल दे इससे फ्यूचरिस्टिक इससे ज्यादा इमेजिंग जस्टिस सिस्टम क्या हो सकता है मुझे बताएं जब हम कहते हैं कि सेशन कोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करप निजाम है तो इसका मतलब हमारा मतलब यही है एग्जैक्टली कि आप करोड़ों रुपए खर्च लाखों रुपए खर्च के बगैर इस सिस्टम से इंसाफ ले नहीं सकते आप जायज हो हक पे हो इंसाफ भी मिल जाए आपको इस अदालत से क्योंकि निजाम ही गलत हो आपको 20 साल भी लगेंगे लाखों रुपया भी खर्च करना बिल्कुल कैन नॉट कॉल हराम सिस्टम रेट भी जेलें किस तरह की उन्होंने वो एक अलग निजाम है पूरा जेलों का और ये इमेजिन कीजिए जुडिशल सिस्टम में जिसके अंदर वो हर शहर में एक बड़ा काजी है। काजी और वही काजी डिसीजन है अपील अगर गलत की है तो उस काजी को इख्तियार है कि अपने फैसले रिवाइव करें

काजी सुनता है वही पांच मिनट जो फजर से लेकर जोर तक मुकदमा सुनने के बाद जोर के बाद फैसला सुना देता है शाम तक उसको घर मिल जाता है एक रुपया खर्च नहीं होता देर इन्वॉल्व आदमी खुद जाके डायरेक्ट काजी को कंप्लेट जज को कंप्लेट करता है जज डायरेक्ट मुद्दा मुद्द्यालय को जिसके खिलाफ मुकदमा होता है उसको कॉल करता है विद इन वन डे टू डे मैटर रिजॉल्व मुझे बताइए इससे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक जुडिशियल सिस्टम कहां होगा दुनिया में नाउ यू टेल मी जाए हम चैलेंज करते हैं आपकी गाड़ियां टकरा जाए का मसला हो जाए या, बी, का का तो हो या एक मकान के किराए का इशू है लेन देन पैसों का सेशन कोर्ट से नॉट पॉसिबल पंद्रह साल दस साल आठ साल लाखों रुपए रिश्वत आगे पीछे एक फाइल आगे पीछे करने का जो बेड़ा गर्क बेजत होंगे बल्कि लोग कहते हैं किसी को फसाना हो तो आप उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली ये हमें बड़े हमारे वकील दोस्त बड़े नाराज हो जाते हैं इस बात से लेकिन इस पूरे कुफर के निजाम को चलाने वाले जो जो कुफर में जो जो कुफर ने सिस्टम बनाया उसका फंडामेंटल पिलर अभी मैं नहीं कह रहा हूं, कह रहा रहा बर्नार्ड बर्नार्ड लोइस लोइस कि इस वक्त सबसे बड़ा है जो लिखता है मशरक और इस्लाम को सबसे ज्यादा स्टडी उसने मगरब में किया बड़ी बड़ी किताबें इस्लाम पर लिखा है वो कहता है कि मगरब ने जो पूरी दुनिया में अपना निज़ाम कायम किया है उसकी बुनियाद दो प्रोफेशन पे एक वकील और एक जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट यस और इस्लाम में जो हमारा खिलाफत रास्ता का मॉडल है जिसमें अदल का मॉडल है उसमें फीसें ले ले के मुकदमा को लंबा कर करके घसीट के चोर कातिल डाकू को बचाने के लिए कोई वकील कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस बात का तस्वुर से बाहर है इस्लामिक जुडिशल सिस्टम के के बदतरीन वकील बेहतरीन वकील जो दुनिया के माशरे के हैं बड़े बड़े कातलों डाकुओं चोरों डकेतों और एनआरओ से धुले हुए नफा और पलित लोगों को अरबों करोड़ों रुपए फीसें करोड़ों रुपए फीसें ले लेके उनको बरी करा देते हैं और कहते हैं हमने तो सिर्फ प्रोफेशनल ड्यूटी की कानून लिखा हुआ इसीलिए नहीं था कि लॉयर्स की जरूरत ही नहीं थी और ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो लॉयर इसलिए कि उस वक्त गडरिया भी जाके एक ऊंट वाला जाके खलीफा खिलाफ केस को कर था सकता था।, था। आज कोई खाब में नहीं सोच सकता कि कोई अपने हमसे पे केस कर दे जब तक दस वकील बीच में इन्वॉल्व ना हो जाए और एक ना न हो जाए जब मुझे बताइए आज का जो जुडिशियल मॉडल बेहतर है ये खिलाफी राष्ट्र का जुडिशल मॉडल नो क्वेश्चन

और जिस तरह का निज़ाम जो है खिलाफत रास्ता में इम्प्लीमेंट किया जाता था और आज जब उसकी जैद साहब से मैं सुनती हूँ और कंपेयर करते हैं हम उसका एनालिसिस करते हैं जब अपने जो यहाँ पर हालिया तो इंसान की अक्ल जो है वो दंग रह जाती है क्योंकि कॉमन सेंस भी किसी तरह से इस निजाम को जस्टिफाई नहीं कर सकती रास्ट टैक्स की आने वाली अगली एपिसोड तक इजाजत दीजिएगा अल्लाह